कौशाम्बी जनपद के हुजरा शरीफ गांव में नया प्राथमिक विद्यालय बनने के बावजूद शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मान और मानकों में पूर्णतया फेल है, जिससे यहां पढ़ने वाले अनुराग सहित 81 बच्चों का भविष्य दांव में लगा हुआ है। मैं महेश और यह है मेरा समुदाय। आपके स्कूल में खेल का मैदान है? हाँ। कैसा है खेल का मैदान? कूड़ा करकट पड़ा रहता है। तो आपके स्कूल में पुस्तकालय है? नहीं। किताबें मिली हैं आपको? नहीं। तो यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है? नहीं, नहीं बनता। शौचालय है यहाँ? शौचालय है पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हैंडपम्प है? नहीं। फिर कहाँ जाते हो? तालाब। तो आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने भेजती हैं? इसको पढ़ाने भेजते हैं प्राइमरी पाठशाला स्कूल। तो वहाँ की व्यवस्था कभी आप देखने जाती हैं? एक बार गए थे तो वहाँ न टाट पट्टी है, न खाने पीने का खाना बन रहा, न हैंडपम्प पानी पीने के लिए, और बच्चे भूखे प्यासे सारा दिन ऐसे रहते। तो बच्चों के प्रति आपके कुछ सपने भी होंगे? मेरे सपने ये है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, बड़ा हो जाए, मास्टर डॉक्टर बन जाए, तो हमारी भी दुख दूर हो जाए। आपके यहाँ स्कूल में कितने बच्चे अंकित हैं? 81 है। और टीचर कितने हैं आपके यहाँ? टीचर फिलहाल अकेले हैं। तो क्या आपके यहाँ मिड डे मील बनता है? मिड डे मील हमारे यहाँ नहीं बनता, अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे पानी की असुविधा है, पानी नहीं है, हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है, नया विद्यालय है और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और पुस्तकालय आपके यहाँ? पुस्तकालय तो अभी नहीं है फिलहाल, वो पढ़ने की पुस्तकें जो हैं वो आ चुकी हैं इस सत्र में, पहली जुलाई को ही यहाँ उपलब्ध बच्चों को दे दी गई है। तो इसके लिए आपने कुछ किया है? हाँ, हमने लिखित अधिकारियों को सूचना दे दी, सबके संज्ञान में आश्वासन मिला है जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था होगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि यहाँ के पढ़ने वाले सभी बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्यालय में शिक्षा अधिकार कानून 2009 का पूर्णतया पालन किया जाए, जिससे यहाँ के पढ़ने वाले सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि BSA के मोबाइल नंबर 9453004063 पर कॉल कर दबाव डालने में हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।